आज के ही दिन एक साल पहले महाराष्ट्र की धरती पर आसमान से आग के गोले बरसे थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में गिरे इन आग के गोलों से पूरा क्षेत्र दहल उठा था। महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी आसमान से आग के गोले बरसे थे। ये आग के गोले कहाँ से आए? क्या ये कोई उल्कापिंड थे? क्या ये किसी सैटेलाइट के टुकड़े थे या फिर ये कोई UFO था? ये चर्चा बरकरार थी, लेकिन इस बीच इन आग के गोलों को लेकर अब घटना के एक साल बाद इसरो ने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस मामले में इसरो का बयान सामने आया है। इसरो की ओर से कहा गया है कि जो चीजें चंद्रपुर में गिरी थी वो चीन की सैटेलाइट के पुर्जे हैं। ये पुर्जे चीन के लॉन्ग मार्च सैटेलाइट के हैं। जानकारी के अनुसार चंद्रपुर में एक साल पहले सिंदेवाही और चिमूर तहसील में आसमान से कुछ वस्तुएं गिरी थी। उनमें से एक रिंग जैसी विशाल वस्तु थी। इसके साथ ही लगभग 6 वृत्ताकार गुब्बारे जैसे दिखने वाले पुर्जे थे। आसमान से इन वस्तुओं के गिरने के बाद दहशत का माहौल हो गया था। इस मामले की जांच के लिए इसरो की एक टीम चंद्रपुर के सिंदेवाही पहुंची थी। इस मामले के एक साल बाद इसरो ने पुष्टि की है कि अंतरिक्ष से गिरे टुकड़े चीन के लॉन्ग मार्च सैटेलाइट के हिस्से हैं। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।